हनुमान जी का अद्भुत अनोखा और चमत्कारी मंदिर। यहाँ त्रिस्वरूप में विराजमान है राम भक्त हनुमान। हनुमान जी की प्रतिमा देखने से ही दूर हो जाते हैं कष्ट। रावण की लंका दहन करने वाले हनुमान जी की एक अलग ही छवि हमारे मन में बनी हुई है। इन्हें हर जगह ब्रह्मचारी के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां पर बजरंग बली स्त्री रूप में स्थित हैं। हम जानते हैं कि बिना देखे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में स्थित स्त्री स्वरूपा हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। आपको बता दें कि रतनपुर में स्थित ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी को नारी स्वरूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। गौरतलब है कि राम भक्त हनुमान की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक और अद्भुत है। प्रतिमा का मुख दक्षिण की ओर है और साथ ही मूर्ति में पाताल लोक का चित्र भी है। मूर्ति में रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए दर्शाया गया है। उनके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के वाम कंधे पर रामलला व दाहिने कंधे पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान है। वहीं दोनों पांव में निशाचरों को दबाए हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। दरअसल यहाँ हनुमान जी के स्त्री रूप में पूजा करने का विशेष कारण बताया गया है। कथा के अनुसार लगभग 10,000 साल पहले रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू को कोढ़ का रोग हो गया था। कोढ़ की बीमारी से लाचार देवजू ने विचार किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ परंतु किसी काम का नहीं, इस त्रास भरे जीवन से मृत्यु ही उपयुक्त है। ऐसे चिंतन करते हुए राजा को नींद आ गई, जिसके बाद राजा के सपने में बजरंग बली आए। उन्होंने स्वप्न में हनुमान जी की बिल्कुल वैसी ही झलक देखी जैसी प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। अष्ट श्रृंगार युक्त तो हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य नाश होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे बिठा, मंदिर के पृष्ठ भाग में ताल खुदवा कर उसमें स्नान कर एवं मेरी विधिवत पूजा करो, इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर निर्माण की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंध में मंदिर का निर्माण काम शुरू करवाया और जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो राजा ने सोचा कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए। इस विचार के बाद एक रात स्वप्न में दोबारा हनुमान जी प्रकट होकर बोले कि महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तो कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा। लेकिन राजा को बहुत खोजने पर भी वो मूर्ति नहीं मिली और निराश होकर राजा महल लौट आया और इसी सोच में डूबे हुए उसकी आंख लग गई, जिसके बाद एक बार फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि राजा, तू हताश ना हो, मैं वही हूं, तूने सही से खोजा नहीं। वहां घाट पर जाकर देखो जहां समस्त जन जल लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति रखी हुई है। सुबह उठते ही राजा घाट पर पहुंच गया और वहां उसे मूर्ति मिल गई। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा का मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया। फिर विधि विधान से मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी तथा मंदिर के पृष्ठ भाग में ताल खुदवाया, जिसका नाम गिरजाबंध रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसके समस्त मनोरथ सफल हों। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।